आज बनाएंगे एकदम सॉफ्ट और बहुत टेस्टी मिल्क केक। अक्सर इसे हम दूध से बनाते हैं, आज हम इसे बिल्कुल अलग तरीके से और बहुत कम टाइम में बनाएंगे। तो जब भी मिल्क केक खाने का मन करे, आप बिना दूध के झटपट से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी मिल्क केक की रेसिपी को शुरू करते हैं। गैस पर एक भारी तले की कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे 1/3 कप घी। ग्राम में देखें तो ये 80-90 ml घी है। अब घी को लो फ्लेम पर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जैसे ही घी गर्म होगा इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी आप यहाँ पर बारीक मोटे कोई से भी ले सकते हैं। कप से मेजर करें तो ये 3/4 कप है और ग्राम में देखें तो ये 120 ग्राम है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर सूजी का कच्चापन दूर होने तक हमें इसे रोस्ट करना है। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए सूजी को रोस्ट करें जब तक इसमें अच्छे से खुशबू नहीं आने लग जाए। तो यहाँ पर हमें सूजी को बिल्कुल भी डार्क कलर का नहीं करना है। और ये देखिए सूजी ने घी छोड़ दिया है और इसमें खुशबू आने लगी है। 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे रोस्ट किया है और ये देखिए सूजी ने घी छोड़ दिया है, ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और सूजी का जो कलर है वो बिल्कुल हल्का सा चेंज हुआ है। तो बस ऐसा ही हमें इसे रोस्ट कर लेना है। इस स्टेज पर हमें फ्लेम को बंद कर देना है और लगातार चलाते हुए या फिर पंखे के नीचे इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब हम इसमें मिलाएंगे ये 1/2 कप मिल्क पाउडर। ग्राम में देखें तो ये पूरा 60 ग्राम मिल्क पाउडर है। जितना सूजी लिया है उसका आधा मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर डालने से ही ये जो सूजी का मिल्क केक है वो टेस्टी बनेगा, इसमें बाइंडिंग आएगी और एकदम मिल्क केक जैसा टेस्ट आएगा। तो इसके साथ ही ये मिल्क केक बनाएं, इसे स्किप ना करें। अभी भी सूजी काफ़ी गर्म है तो मिल्क पाउडर को हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। तो मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, बस मिल्क पाउडर को मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मिल्क पाउडर और सूजी को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम साइड में रखेंगे और अब एक पैन में लेंगे 100 ग्राम चीनी। तो यहाँ पर ये 1/2 कप चीनी है, इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। तो जितना चीनी है उसका आधा पानी डालेंगे। ये एकदम परफेक्ट है इस रेसिपी के लिए। इससे कम अगर आप चीनी डालेंगे तो जो मिल्क केक है उसमें ब्राउन कलर का टेक्सचर नहीं आएगा। और यहाँ पर हमें कोई चाशनी नहीं बनानी, बस चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जैसे ही चीनी मेल्ट होती है और ये थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और यहाँ पर हम थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे जिससे इस मिल्क केक में बहुत अच्छी खुशबू होगी। और ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये थोड़ी सी स्टिकी हो गई है। तो बस फ्लेम को बंद कर देंगे और इस चाशनी को हम सूजी और मिल्क पाउडर के मिक्सचर में डाल देंगे। अब फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए चाशनी को सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे ना, ये सूजी का जो कलर है ये भी चेंज होने लगेगा और ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा। 2 मिनट के बाद जब ये चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाए तब इस मिक्सचर में से एक छोटी सी बॉल बनाकर देखें। ये देखिए ये जो बॉल है ना ये काफी सॉफ्ट है लेकिन हाथों के बिल्कुल स्टिक नहीं हो रही है। ध्यान रखें ये बॉल काफी सॉफ्ट हो, अगर ये हार्ड हो जाती है तो मिल्क केक भी हार्ड ही बनेगा। तो बस इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इस मिक्सचर को और चलाएंगे। ये घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये एक ट्रिक है जिससे मिल्क केक अंदर से ब्राउन होता है। ये देखिए ये जो मिक्सचर है ये काफी गर्म हो जाए तो बस हमने घी को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है, इससे ज्यादा इसे नहीं पकाएंगे। इस मिक्सचर को तुरंत ही मोल्ड में ट्रांसफर कर लेंगे और इस मोल्ड में हमने बटर पेपर लगा रखा है और साइड में अच्छे से घी लगा दिया है जिससे जो मिल्क केक है वो आसानी से डिमोल्ड हो जाए। तुरंत ही इस गरम गरम मिक्सचर को हम मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी गर्म है और इस ओवरहीटिंग की वजह से ये मिल्क केक अंदर से ब्राउन होगा। तो बस अब तुरंत ही इस मोल्ड को कवर कर दें क्योंकि इस मिल्क केक को 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो इसे बनने में भी बहुत कम टाइम लगता है और जब ये हल्का सा गर्म होगा तभी हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। मैंने इसे 1.5 घंटे के लिए रखा है। ये देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है, आप इसे टच करके देख सकते हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाए तब इसे डिमोल्ड कर सकते हैं। मिल्क केक को बनाना बहुत आसान है, बस इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा पकाने भी ये मिल्क केक थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अब हम इस मिल्क केक को डिमोल्ड कर लेते हैं। ये तो नाइफ से किनारों को अलग कर लेंगे और इस तरीके से टैप करेंगे तो ये मिल्क केक आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए सूजी का ये मिल्क केक बन करके बिल्कुल तैयार है, बहुत बहुत टेस्टी बनता है। दूध से बना हुआ मिल्क केक तो आपने खाया होगा, एक बार सूजी से बना ये मिल्क केक बनाकर देखिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए इसके अंदर का टेक्सचर, ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो आप भी इसे बनाइएगा जरूर और अपने कमेंट्स में साथ शेयर कीजिएगा तो कैसी लगी आपको ये मिल्क केक की रेसिपी। तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और रेसिपीज को देखने के लिए। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बना है और बहुत टेस्टी बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।